हमारा देश भारत दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में सातवें स्थान पर आता है और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर आता है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है और जापान पूर्व एशिया में है। भारत देश राज्यों में बटा हुआ है और जापान जो कि बेटों पर स्थित है। जापान की आर्थिक स्थिति भारत से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो जापान पूरी दुनिया में अव्वल स्थान पर है। तो आइए जानते हैं जापान की अनोखी टेक्नोलॉजीज जो कि आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगी। रिंग पे ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जो मनुष्य देख नहीं सकता उसे ब्रेल लिपि की मदद से सब सिखाया जाता है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई अंधा जापान में ड्रिंक खरीदे तो वह कैसे जान पाएगा कि उसने जो ऑर्डर दिया था यह वही ड्रिंक है। जापान ने इस बात को भी बहुत ही आसान कर दिया है। जापान में हर एक ड्रिंक के बोतल पर ब्रेल लिपि छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में छपी होती है, जिसे छूकर अंधे भी पहचान जाते हैं कि यह वही बोतल है जो उसने ऑर्डर की थी। लेकिन इसके लिए अंधे व्यक्ति को ब्रेल लिपि का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह पहचान सकता है। सबवे चिन रेस्ट। अगर आप थके हुए हैं और बस में सफ़र कर रहे हैं या जापान की मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं और आपको बैठने के लिए सीट भी नहीं है, तो इसका आइडिया भी जापान के पास है और ये आइडिया आपको बेहद ही पसंद आएगा। इसके लिए जापान ने सबवे चिन रेस्ट नाम से एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे एक व्यक्ति खड़े खड़े ही खुद को आराम देख सकता है। यह चिन रेस्ट रबर या फिर स्पंज का बना हुआ होता है जो नीचे से कनेक्टेड लोहे के पाइप के ऊपरी हिस्से पर होता है, जिसे आप अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव टॉय। माइक्रोवेव ओवन के बारे में दोस्तों आपने ज़रूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको माइक्रोवेव टॉय के बारे में जानकारी है? अगर नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। जापान ने एक घास से टॉय बनाया है जिसकी खासियत यह है कि इस टॉय को आप सर्दियों में माइक्रोवेव के अंदर 60 सेकंड के लिए रख कर बाहर निकालेंगे तो यह पूरा गर्म हो जाएगा, और अगर आपको ठंड लग रही है तो आपको यह बहुत ही गर्म महसूस होगा और इसको अपने पास रखेंगे तो यह आपको ठंड से भी बचाएगा। वेंडिंग मशीन। दोस्तों आप वेंडिंग मशीन में कॉइन डालकर सिर्फ अपनी पसंदीदा ड्रिंक और चॉकलेट ही निकाल सकते हैं, और ये हर देश में ही होता ही है और हर वेंडिंग मशीन में केवल ड्रिंक और चॉकलेट ही होते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में हर एक सामान, हर एक चीज़ आपको वेंडिंग मशीन में ही मिलेगा। इसके साथ ही जापान में लगभग 55 लाख से भी ज़्यादा वेंडिंग मशीन मौजूद है। सुपर अम्ब्रेला। बारिश में अक्सर लोग अपने साथ छाता रखते हैं। अगर कहीं बारिश भी आ जाए तो वह छाता इस्तेमाल कर अपने शरीर को पानी से बचा लेते हैं, लेकिन साइड से भीग जाते हैं। पर जापानियों के पास विचारों की कमी नहीं है। वहाँ कुछ ऐसे छाते यानी सुपर अम्ब्रेला है जो आपके शरीर को पूरी तरह कवर कर लेते हैं। इस सुपर अम्ब्रेला के निचले हिस्से के चारों ओर से प्लास्टिक का कवर होता है जो आपके पैरों तक को कवर कर लेता है, जिससे आपके ऊपर साइड से बारिश नहीं लगेगी। ट्रांसपेरेंट कोको कोला। दोस्तों आपने कोको कोला तो देखा ही होगा और आप इसे गर्मियों में खुद को ठंडा रखने के लिए पीते भी होंगे। हमारे यहाँ जो कोको कोला होता है वह काले रंग का होता है, पर क्या आप जानते हैं जापान में कोको कोला का रंग ट्रांसपेरेंट होता है? आपको पता भी नहीं लगेगा कि कोको कोला बोतल के अंदर पानी है या कुछ और। दोस्तों हम आपके लिए रोज़ वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर फिलहाल सब्सक्राइबर्स कम है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा।